हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने सरकारी मितव्ययता बचाने के लिए अपने चाय नाश्ते का खर्च अपनी जेब से देना वाजिब समझा, एक ऐसे लेखक जिन्होंने जब हिमालयी क्षेत्रों की वन और पानी की समस्याओं पर पुस्तक फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं लिखी तो ब्रिटिश सरकार ने जनता में असंतोष बढ़ने के भय से उसे प्रतिबंधित कर दिया, एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक सफल वकील, जन सामान्य की समस्याओं को समझने वाले एक राजनेता और भारत के पांचवें गृह मंत्री, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 में अल्मोड़ा मुख्यालय के कोट गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम गोविंदी बाई, वहीं पिता का नाम मनोरथ पंत था जो सरकारी मुलाजिम थे। पंत जी शुरू से ही मेधावी छात्र रहे थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा के रेजमे कॉलेज में हुई। 1905 में पंत जी अपनी शिक्षा को प्रारंभ रखने के लिए अल्मोड़ा से इलाहाबाद गए। वहां उन्होंने प्योर सेंट्रल से अपनी वकालत की डिग्री सर्वोच्च अंकों से हासिल की, जिसके उपलक्ष्य में उनको कॉलेज की ओर से लैम्सडन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कॉलेज में वह अध्ययन के साथ साथ कांग्रेस के स्वयंसेवक के रूप में भी सेवाएं देते थे। वकालत में भी पंत जी की अलग ही प्रतिष्ठा थी। वे इस बात के लिए चर्चित थे कि वे सच्चे केस लेते थे और झूठ बोलने पर केस छोड़ देते थे। वकालत के सिलसिले में वे पहले रानीखेत गए, फिर काशीपुर में जाकर प्रेम सभा नामक संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा और साहित्य के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करना था। इस संस्था ने इतने व्यापक रूप से कार्य किया कि ब्रिटिश स्कूलों ने काशीपुर से अपना बोरिया बिस्तर बांधने में ही खैरियत समझी। दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी के गुलाबे पर शुरू हुए असहयोग आंदोलन से अपने राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले गोविंद बल्लभ पंत जी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। चाहे अगस्त 1925 में काकोरी कांड में ब्रिटिश खजाना लूटने वाले क्रांतिकारियों का मुकदमा लड़ना हो, चाहे साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज उठाते हुए आजादी के खातिर लाठियां सहना या 1930 में नमक छोड़ो आंदोलन में जेल जाना, पंत जी ने अपने राजनीतिक कौशल से न सिर्फ भारतीय नेताओं का दिल जीता अपितु अंग्रेज हुकूमत को भी अपना प्रशंसक बना दिया। पंत जी ने पहला पद 1937 में संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में संभाला, जहां वो 1947 के बाद इस पद पर टिके रहे। उन्होंने अनेक सामाजिक विषयों में भी अपना योगदान दिया। पंत जी के ही प्रयासों से हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। पंत जी का मानना था कि हिंदी मात्र भाषा नहीं है बल्कि भावों की अभिव्यक्ति है। जमींदारी उन्मूलन पंत जी के नेतृत्व में लिया गया एक ऐसा कदम जिसने लाखों किसानों का भाग्य बदल दिया। महिला सशक्तिकरण के लिए हिंदू संहिता विधेयक पारित कराना हो या हिंदू महिलाओं को तलाक और वंशानुगत संपत्ति पर अधिकार दिलाना, पंत जी के कुशल नेतृत्व की ही देन है। अपने कुशल व्यक्तित्व एवं समाज सुधारक सोच के चलते पंत जी को 1955 के केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री का पद प्रदान किया गया, जहां पंत जी ने अपनी संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी से सेवाएं दी और एक सशक्त भारत की नींव रखी, जिसके उपलक्ष्य में 1957 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 7 मार्च 1961 को पंत जी को दिल का दौरा पड़ा और भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। पंत जी की स्मृति में गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पौड़ी, गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च न्यू दिल्ली, गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद और भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पन्नर, इन जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को उनका नाम दिया। ये सभी संस्थान पंत जी के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर देश के विकास और संपन्नता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे महान प्रेरणादायी व्यक्तित्व को हमारा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।